नमस्कार, मैं हूं अक्षय आनंद। स्वागत है आपका लाइव सिटीज पर। बिहार बुलेटिन लाइव की शुरुआत की जाए। सबसे बड़ी खबर आज की महागठबंधन की जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो उसमें आलोक भी मौजूद थे, सुजीत भी मौजूद थे। आलोक और सुजीत दोनों कृपया कुछ समय इस लाइव बुलेटिन को दे दें। क्या क्या हुआ सबसे पहले सुजीत की नज़र से, उसके बाद हम आलोक से काउंटर बाइट्स लेंगे। जी अक्षय, बता दूं कि आज महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी राजद कार्यालय में। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, मदन मोहन झा, अखिलेश सिंह, मनोज झा आदि जैसे प्रमुख चेहरे महागठबंधन में मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार पर फिर से हमला बोला है और साथ ही साथ नीतीश कुमार पर सीधे सीधे आरोप लगाए हैं कि नीतीश कुमार जो हैं आज जनता के बीच में जा रहे हैं, मजदूरी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। किस बात की मजदूरी ये मांग रहे हैं? क्या सृजन घोटाले के नाम पर वो वोट मांग रहे हैं, या फिर मुजफ्फरपुर महापाप मामले में जिस तरह से इनकी संलिप्तता देखी जा रही है उस पर ये वोट मांग रहे हैं? किस चीज़ को लेकर वोट मांग रहे हैं, इस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। साथ ही साथ उन्होंने शराबबंदी के बाद नीतीश कुमार के ऊपर इसलिए हमला बोला है क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे रिलेट किया है, क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो उन्होंने इंजीनियरिंग की है, तो इंजीनियर वाला दिमाग उन्होंने बोला है कि शराबबंदी के बाद किस तरह से इससे होने वाली जो उगाही है उसमें किस तरह से नीतीश कुमार ने अपना इंजीनियर वाला दिमाग लगाया है, ये उन्होंने साफ साफ बोला है। साथ ही साथ जब उनसे पूछा गया है कि लालू साहब को मिलने नहीं दिया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने बोला कि मैं कई दिनों से अपने पिता से नहीं मिल पाया था, मैं जब उनसे मिलने गया पिछले शनिवार को तो मुझे मिलने नहीं दिया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो है ये केंद्र और राज्य सरकार के मिलीजुली भगत की वजह से ये हो रहा है और कहीं ना कहीं ये एक साजिश है। लालू यादव की तबीयत बिगड़ती जा रही है दिन पर दिन और कहीं ना कहीं ये उन्हें ख़त्म करने की एक साजिश चल रही है। इस तरह का उन्होंने सीधे सीधे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाए हैं। लालू यादव से नहीं मिलने देने पर इस पर उन्होंने आरोप लगाए हैं नीतीश कुमार पर। बाकी नेता वहाँ क्या कह रहे हैं? बाकी नेता थे उपेंद्र कुशवाहा, तो जैसा कि आप जानते हैं उपेंद्र कुशवाहा हमेशा से ही नीतीश कुमार को टारगेट करके चलते हैं। नीतीश कुमार की सभाओं पर उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि नीतीश कुमार की सभा में यदि आप जा रहे हैं, यदि आप देख रहे हैं तो देख रहे हो कि भीड़ बिल्कुल नहीं है। वहीं जीतन राम मांझी ने एक मास्टर कार्ड खेला है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि आरोप लगाया था मुझ पर कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ या बना रहना चाहता हूँ, लेकिन यह आरोप गलत है। जीतन राम मांझी ने भी आज घेरा है। कहीं ना कहीं आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसका जो मेन मुद्दा था, तेजस्वी यादव की बात करें या जीतन राम मांझी की बात करें, वो कहीं ना कहीं नीतीश सरकार को घेरना था, चाहे वो शराबबंदी का मुद्दा हो या फिर कई सारे जो घोटाले हैं बिहार में। जीतन राम मांझी ने तो ये भी एक बात कह दी थी कि नीतीश कुमार ऐसे आदमी हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने कहा नहीं, इस बात में उसे ही एक बार फिर से दोहराया है। अब चलिए तेजस्वी यादव का हमने सुन लिया है, जीतन राम मांझी का सुन लिया है, जरा काउंटर बाइट भी सुन लें। अब आरोप लगाया गया था नंबर एक तेजस्वी यादव द्वारा शराबबंदी का। जब हमने जेडीयू के प्रवक्ताओं से पूछा, राजीव रंजन जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है उनसे पूछा, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि यदि महिला सशक्तिकरण की बात हम करते हैं तो महिलाओं को पावर भी हमने दिया है। और जहां तक बात रही तेजस्वी यादव की, तेजस्वी यादव ये चाह रहे हैं कि महिलाओं का वोट उन्हें कहीं ना कहीं मिले, तो वो उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि हाँ कहीं कहीं ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो शराबबंदी पर एक कलंक साबित हो रही है, उससे भी हम निपट रहे हैं। और बीजेपी के नेताओं ने तो साफ साफ ये चैलेंज दे दिया है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि शराबबंदी फेल है तो उसकी जानकारी आकर के हमें दे दीजिए। अच्छा, इन्होंने आरोप लगाया, एक बात मैं बता दूं, एक बात छूट गई थी इस महागठबंधन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसमें क्या हुआ, आखिरी सवाल पूछा गया पत्रकारों के द्वारा राहुल गांधी के बारे में तेजस्वी यादव से कि आप राहुल गांधी के साथ मंच साझा क्यों नहीं कर रहे हैं। इस पर उन्होंने सीधे सीधे बोला ये हमारी की स्ट्रैटेजी है, इससे पहले भी 2014 के लोकसभा चुनावों में भी इस तरह की बातें आई थी और इससे पहले भी ये प्रश्न उठ चुका है कि हम राहुल गांधी के साथ मंच साझा कब करेंगे। आने वाले दिनों में बहुत जल्द ऐसा होगा कि हम राहुल गांधी के साथ मंच साझा करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने एनडीए के जो प्रमुख चेहरे हैं जो आजकल चुनाव के प्रचार प्रसार में मंच साझा करते हैं, उस पर भी उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि अगर रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, ये सारे जो प्रमुख चेहरे हैं एनडीए के, ये अगर मंच पर एक साथ ना हो तो 1000 की भीड़ भी बमुश्किल से वहाँ पर जुट पाए। साथ ही साथ उन्होंने एक बात ये भी कही, चूँकि अपने चाचा पर, वो पलटू चाचा पर जो हमेशा हमला करते रहते हैं, पलटू चाचा बोल के उन पर हमला करते रहते हैं, उन्होंने एक और मौका नहीं गंवाने दिया और उन्होंने सीधे सीधे पलटू चाचा पर यह आरोप लगाया कि नीतीश कुमार मंच पर इसलिए जाते हैं, एनडीए की हर रैली को इसलिए ज्वाइन करते हैं जिससे कि एनडीए के जो प्रमुख लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात घर ना कर जाए कि नीतीश कुमार कहीं फिर से
पलटी तो नहीं मार रहे, ये एफिडेविट कराने की बात की गई है कि एफिडेविट बीजेपी जो है वो एक बार एफिडेविट करा ले कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही रहेंगे सरकार बनने के बाद। नीतीश कुमार पर लगता भरोसा नहीं है, जिस तरीके से की घटनाएं हुई है राजनीति में आप समझ रहे हैं। चलिए शुक्रिया आलोक, शुक्रिया सुजीत आपका भी। चलते हैं अब प्रियांक के पास, क्योंकि अली अशरफ फातमी ने मधुबनी से अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है, लेकिन शकील अहमद अभी भी हैं। क्या परिस्थितियां हैं हमें बेहतर बताएंगे प्रियांक सौरभ। जी हाँ अक्षय, आज जो मधुबनी में हुआ उससे ये तो कहा जा सकता है कि महागठबंधन कुछ टेंशन कुछ कम हुई होगी। दरअसल ऐसा है कि जो राजद के बागी नेता थे, जो बागी बन गए थे अली अशरफ क्षमा चाहूँगा फातमी ने, तो उन्होंने अब जो बसपा से नॉमिनेशन किया था उन्होंने नॉमिनेशन वापस ले लिया है। 18 अप्रैल को उन्होंने नॉमिनेशन किया था, उन्होंने उससे पहले बगावत की थी पार्टी में, जिसके बाद वो पार्टी से निकाल दिए गए थे। उन्होंने पार्टी की सारी सदस्यताओं विभिन्न पदों से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था, और 16 अप्रैल को उन्होंने प्राथमिक जो सदस्यता होता है उससे भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने 18 अप्रैल को बसपा के टिकट पर उन्होंने नॉमिनेशन किया था, लेकिन अब आज यानी सोमवार को उन्होंने नॉमिनेशन वापस ले लिया है, अपना नाम वापस ले लिया है। इससे कहीं ना कहीं महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं बद्री पूर्वे, उनकी टेंशन कम हुई होगी। लेकिन एक और देखने वाली बात है कि कांग्रेस के वहां पे एक बड़े नेता के तौर पे जाने जाने वाले शकील अहमद भी, जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं, वो क्या फैसला लेते हैं। अभी भी टेंशन उतनी कम नहीं हुई है, क्योंकि शकील अहमद अभी भी मैदान में है। लेकिन एक तरफ अगर अली अशरफ फातमी की बात करें तो वो अगर वापस आ गए हैं तो कहीं ना कहीं महागठबंधन की टेंशन कम हुई है। अच्छा चलिए, तो ये थी सिनेरियो महागठबंधन की। अब हम जयभास्कर के पास चलते हैं। जयभास्कर हमें बताएंगे कि आज किन किन लोगों ने नॉमिनेशन किया है। जय जी। अच्छा देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन का दौर जारी है, और इसी क्रम में आज सबसे पहले बात करेंगे सीवान लोकसभा क्षेत्र की। तो यहाँ से राजद से हिना शहाब ने नामांकन किया, वो अपने पैतृक गांव प्रतापपुर गांव से निकली, और उनके साथ गाड़ियों का पूरा काफिला चल रहा था। आपको बता दें अच्छा है कि उनके जो बेटे हैं ओशामा, वो खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और अपनी माँ को बैठाकर उन्हें वो समाहरणालय तक लाए थे। इस दौरान समर्थकों का उत्साह जो था खूब देखते बन रहा था, नारे खूब गूंज रहे थे, और इस दौरान हिना शहाब ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। 4 सीटों में उन्होंने नामांकन भरा है, और जब हमारे लाइव सिटीज़ के रिपोर्टर ने उनसे सवाल जवाब किया तो उन्होंने बताया कि बेटे का सहयोग मुझे काफ़ी मिला, वो बिल्कुल ओसामा की बात करते हुए हिना शहाब ने कहा कि वो मेरे सारथी बनकर मुझे यहाँ तक लाएं और एक माँ का सहयोग कर रहे हैं। आपको मालूम है कि शहाबुद्दीन अभी वहाँ क्षेत्र में है नहीं उनके पास, तो बेटे जो हैं उनके पूरी मदद कर रहे हैं। और किन लोगों ने? इसके बाद जहानाबाद से भी नॉमिनेशन फाइल हुए हैं, वहाँ से राजद कैंडिडेट सुरेंद्र यादव ने नॉमिनेशन किया, और बता दें कि अभी उन्होंने लालू यादव को लेकर बयान जो दिया था कि आपको तो मालूम ही है कि तेजस्वी यादव जो है बराबर अभी सवाल उठा रहे हैं कि लालू यादव से मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो इसी बात का जिक्र सुरेंद्र यादव ने भी किया, और उन्होंने ये साफ साफ आरोप लगा दिया है RSS BJP और CM नीतीश तक पर कि उन लोगों की ये साजिश है, और कहीं इसमें लालू यादव की हत्या न करने की ये कोई साजिश है। अच्छा। तो ये बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। और इसके बाद जहानाबाद से ही अरुण कुमार ने भी नामांकन आज किया है। उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि यहाँ आपके टक्कर में कौन है, कौन कौन से प्रत्याशी से मतलब आपको ऐसा लगता है कि टक्कर मिल रहा है, तो उन्होंने कहा कि उनकी टक्कर मतलब उनकी लड़ाई जो है जहानाबाद में प्रत्याशियों से नहीं है बल्कि विचार और अराजकता से है। अच्छा चलिए शुक्रिया जय आपका भी। अब हम परमवीर के पास चलते हैं, हम इस लाइव बुलेटिन के आखिरी पड़ाव पर हैं, और अब परमवीर हमें बताएंगे कि नितिन गडकरी की रैली क्यों कैंसिल हुई और उस पर तेजस्वी ने क्या कहा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का मुजफ्फरपुर में चुनावी कार्यक्रम था, जिले के यजुआर गांव में ये कार्यक्रम था, जहां भीड़ नहीं जुटने के कारण इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। ये एक चुनावी कार्यक्रम था, जिसके बाद राजद के युवा नेता तेजस्वी यादव ने ट्विटर के जरिए नितिन गडकरी और BJP पर चुटकी लिया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार और BJP नेताओं का चेहरा नहीं देखना चाहती है, क्योंकि इनका चरित्र उन्होंने देख लिया है। फिर उन्होंने कहा कि CM नीतीश कुमार, डिप्टी CM सुशील मोदी और रामविलास पासवान जी तीनों एक साथ मिलकर रैली करते हैं तो बहुत मुश्किल से 500 लोग जुटते हैं,
ये दुर्दशा है इन बड़े अनुभवी नेताओं की। ठीक है, आपको बता दें कि यजुआर एक जहाँ पे नितिन गडकरी का कार्यक्रम होना था, एक तरह से स्वर्ण बहुल गांव है, और ये और आगे 30 अप्रैल को नरेंद्र मोदी का भी कार्यक्रम है, जिसको मैंने ये सवाल खड़ा हो रहा है कि जो लोकल नेता है वहाँ पे वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं कार्यक्रम को लेकर, तो यही बात है। चलिए, शुक्रिया परमवीर आपका, और अब इसी के साथ हमारा ये बिहार बुलेटिन का न्यूज़ रूम लाइव अपने आखिरी स्टेज पर पहुंचता है। आप बने रहें हमारे साथ, इसी तरह हमें प्यार और आशीर्वाद देते रहें। हम बने रहेंगे बिहार के नंबर वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, यूट्यूब और वेबसाइट दोनों ही जगहों पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।